मेरठ में एसपी सिटी अखिलेश नारायण सिंह का एक वीडियो वायरल होने के बाद राजनीति तेज हो गई है, जहां प्रियंका गांधी ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए सवाल खड़ा कर दिया। तो वहीं एसपी सिटी डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगाने वाले उपद्रवियों का हमने वहां से भगा दिया था। और उधर एडीजीपी प्रशांत कुमार का कहना है कि पुलिस कर्मियों की तरफ से कोई गोलीबारी नहीं हुई। वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ पाकिस्तान को लेकर बात कही जा रही है, क्या उस टाइम कहा था और क्या पूरा वाक्य क्या था सर? ये लिसाड़ी चौकला से जब हम भूमिया पुल वाले नूरनगर साइड में जाते हैं तो एक गली में सूचना मिली, हमें और रेडियम सिटी थे, कुछ फोर्स हमारे साथ था कि वहाँ पर कुछ लड़के उत्पात करने के चक्कर में थे। उस दिन काफ़ी बवाल चल रहा था, तो हम रेडियम सिटी जब वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ कुछ लड़के खड़े थे, जिसमें कुछ लड़कों ने हम लोगों को देखते ही पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हुए गली में दौड़ लगा दिया। दूसरे एक चीज़ तो स्पष्ट हो गई कि ये जो इनका नेचर है, वो जो सूचना मिली है उससे तालमेल है और ये बवाल करा सकते हैं। इसके आधार पर गली में भागे और अंदर भाग गए, कुछ लोग मिल गए और उनको डांट फटकार इसमें किया गया। पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने का जो तरीका था वो ठीक नहीं था। सर उसमें आपने क्या उनसे कहा गया जो वीडियो में वायरल में भी? उनसे उन लड़कों के लिए कहा गया कि ये गली, क्योंकि उसी गली से आए थे तो वो गली हमने याद किया कि इस तरीके का वांछनीय तत्व इसमें रहते हैं। मैंने कहा कि अगर इस तरीके की बातें आप करते हो तो जहां का तुमको ज़्यादा पसंद है फिर वहीं जाओ। पाकिस्तान चले जाने के लिए कहा गया? हाँ, उसमें उन्होंने जब पाकिस्तान जिंदाबाद किया फोर्स को देख कर और जो माहौल चल रहा था उसमें उनकी ये नारेबाजी आपत्तिजनक थी, तो मेरे द्वारा उनसे ही कहा गया कि अगर उनसे ज़्यादा प्यार है और यहाँ से इतनी नफरत है कि पत्थर चलाने की और इस तरह की हरकत करने की नौबत आ गई है तो फिर ये ठीक नहीं है। मुकदमा उनके खिलाफ? हाँ बिल्कुल, उनकी पहचान होगी, मुकदमे में कनेक्ट करेंगे उनको, उनकी पहचान चल रही है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए सर? बिल्कुल, जो मैं आपसे बता रहा हूँ कि ये तो ऐसे माहौल में अगर आप नारे लगाते हैं अमेरिका जिंदाबाद, सारा जिंदाबाद होता रहे, लेकिन जिस समय ये सब बवाल चल रहा है उसमें आप खास इंटेंशन से और भाग रहे हो और ऐसी सूचना उस गली की मिली है तो ये तो ठीक नहीं था। किस उम्र के लड़के होंगे लगभग, अगर देखा जाए कि मैच्योर थे क्या? रहे होंगे 18-20-22 इसी उम्र के लड़के थे, 25 साल इस टाइप के लड़के थे वहाँ पर। जिंदगी काली करने के लिए भी कुछ ऐसी बात कही गई कि हम जिंदगी काली कर दी जाएगी? नहीं, उन लोगों का काली का मतलब है कि अगर वो जेल में जाएंगे तो उनकी जिंदगी काली रहेगी। अच्छा सर, एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है जिसके अंदर सर, प्रथम तो मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगा आपके माध्यम से सभी को, ये जो तथाकथित वीडियो है ये 20 तारीख का है और ये 27 तारीख की रात को जारी करने के पीछे क्या मंशा है। अगर ये घटना थी तो उसी दिन जारी होना चाहिए था। दूसरा, वहाँ पर जहाँ की ये घटना दिखाई जा रही है उससे स्पष्ट है कि वहाँ पत्थरबाजी हो चुकी है और एडीएम सिटी और एसपी सिटी वहाँ स्थिति को नियंत्रण करने गए हैं। वहाँ पर भारत विरोधी नारे और पड़ोसी देश के फेवर के नारे लग रहे थे, पीएफआई और एसडीपीआई के पर्चे बांटे जा रहे थे। वैसी स्थिति में जहाँ पूरे मेरठ में घटनाएं हो रही थी, मेरा स्पष्ट मानना है कि शब्दों का चयन कुछ बेहतर हो सकता था, लेकिन फिर भी अधिकारियों ने संयम का परिचय देते हुए वहाँ न तो लाठीचार्ज किया, न तो कोई फायरिंग की, और वहाँ जो अन्य पब्लिक के लोग थे उनको ये बात कड़े शब्दों में समझाई और ये बताया गया कि अगर आप कहीं जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन यहाँ इस शहर में उपद्रव न करें। आपको पता होगा कि उस दिन कितनी यहाँ पर लोगों ने, उपद्रवियों ने हिंसा की, और कल शुक्रवार को जब सभी लोगों ने, पुलिस ने, प्रशासन ने और यहाँ के आम जनता ने शांति व्यवस्था भंग नहीं होने दी तो एक साजिश के तहत रात को ये वीडियो चलाया गया और इसको तथ्यों को मरोड़ के दिखाया जा रहा है। जिन कठिन परिस्थितियों में पुलिस ने हिंसा और उपद्रवियों पर काबू पाया लोगों के सहयोग से, उसकी खिल्ली उड़ाना, उसको रेडिक्यूल करना प्रॉपर नहीं है। मैं पुनः स्पष्ट करना चाहूँगा
कि हमारे अधिकारियों के द्वारा शब्दों का चयन कुछ बेहतर हो सकता था, लेकिन उस कठिन मनस्थिति में जबकि शहर एडीएम सिटी और एसपी सिटी इंचार्ज होते हैं, वहाँ इतनी घटनाएं हो रही थी, हो सकता है उत्तेजना में कोई बातें कही गई हैं, लेकिन उस चीज़ों को शब्द को पकड़ के पूरे कार्य करने के भाव को चैलेंज करना ये उचित नहीं है। और मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि वर्तमान में मेरठ में यहाँ की जनता, यहाँ की मीडिया, यहाँ के लोगों के सहयोग से पूर्णतया शांति है।